कारण देखिए कितना मन लगा कर घिसाई कर रहे हैं पत्थर की। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम फ्रेंड आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर कार्यशाला में आए हुए हैं। राम मंदिर कार्यशाला में फ्रेंड हम आपको पत्थर दिखाएंगे, पत्थर के साथ साथ यहाँ पर बहुत पुराने पुराने पत्थर रखे हुए हैं उसको भी दिखाएंगे। फ्रेंड राम मंदिर कार्यशाला में बहुत कार सेवक काम कर रहे हैं, उन कार सेवक को भी दिखाएंगे हम। फ्रेंड आप देखिए वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं वीडियो छोड़ के। फ्रेंड श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला है ये, देखिए फ्रेंड ये एक सैंपल लगाया गया है पत्थर का, जो भी पिलर बनाया गया है मंदिर में ऐसे पिलर लगा के खड़ा किया जाएगा। सारे पिलर ऐसे इसी पे खड़े होंगे, पिलर ऐसे बनाए जाएंगे। फ्रेंड देखिए ये इतना अच्छा दिख रहा है, देखिए फ्रेंड कितना अच्छा फिनिशिंग, अभी इसमें नहीं हुआ, इसकी सफाई होगा तो देखने में और अच्छा लगेगा। फ्रेंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे देखने में रखा हुआ है, लगने के बाद और अच्छा लगेगा। फ्रेंड ये फ्रेंड देखिए ये सब पत्थर लाए गए हैं, यहाँ पर रखा हुआ है। फ्रेंड इस पत्थर को अभी फिनिशिंग किया जाएगा, फिनिशिंग करने के बाद ही यहाँ से जाएगा। जो पत्थर फिनिशिंग होता है यहाँ से फिनिशिंग करने के बाद मंदिर पे पहुँचाया जाता है लगवाने के लिए मंदिर में। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर पत्थर को काटने के लिए मशीन लगाया गया था, देखिए कितना भारी मशीन लगाया गया है। इसका ब्लेड देखिए कितना बड़ा ब्लेड लगा हुआ है इसमें। फ्रेंड देखिए मशीन, यहाँ से इस मशीन को चलाने के लिए इतना बड़ा मोटर लगाया गया था। देखिए फ्रेंड मोटर के द्वारा इसको उठा के देखिए नीचे ऊपर लगाया गया है, ग्रिल इसके द्वारा देखिए पत्थर को उठा के इस जंजीर के द्वारा उठाया जाता था, उसके बाद इसको हटाया जाता है यहाँ से। देखिए फ्रेंड यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं सफाई करने के लिए, देखिए मशीन। फ्रेंड देखिए हम आगे चल रहे हैं वीडियो में, दिखा रहे हैं आपको वीडियो में इसकी फिनिशिंग जहाँ पर हो रहा है। फ्रेंड देखिए ये सब पूरा मंदिर का पिलर है, जो कि पिलर के द्वारा बनाया जा रहा है, मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये सारे पिलर लगा जाके सब मंदिर का जितना है सब ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, ये सब पूरा पिलर लगा कर अभी इसकी यहाँ पर सफाई चल रही है, फिनिशिंग घिसाई चल रही है। फ्रेंड देखिए अभी दिखाएँगे हम आपको। फ्रेंड इतना अच्छा देखिए इसमें कितना बारीक, देखिए कितना बारीक नक्शा बनाया गया है, कितना अच्छा देखने में लगेगा। फ्रेंड ये बनने के बाद जब इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, फ्रेंड देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रेंड ये राम मंदिर का पत्थर है जो लगाया जाएगा मंदिर में, देखिए फ्रेंड मंदिर के पत्थर को कितना अच्छा घिसाई चल रहा है इस समय। देखिए फ्रेंड देखिए कितना मन लगा कर घिसाई कर रहे हैं पत्थर की। फ्रेंड देखिए सफाई चल रहा है, कितना अच्छा सफाई चल रहा है यहाँ पर, देखिए फ्रेंड सफाई करने के लिए यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर इसको सफा करने के लिए, इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, देखिए कितना फिनिशिंग कर रहे हैं सफाई के लिए। फ्रेंड हम आपको दिखा दें यहाँ पर ईंट के पत्थर रखे हुए हैं, जो कि बहुत दूर दूर से पत्थर आके यहाँ पर रखे गए हैं, आपको हम दिखा दें। फ्रेंड पत्थर जो रखा हुआ है देखिए यहाँ पर पत्थर रखा है, कहाँ कहाँ से आया है, इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है। फ्रेंड देखिए एक पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है, बजरंग दल पश्चिमी नागपुर से आया हुआ है। फ्रेंड देखिए एक ईंट रखा हुआ है यहाँ पर, जो कि बेस्ट जर्मनी का है, आया हुआ पत्थर है ये यहाँ पर रखा है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड ऐसे ऐसे बहुत पत्थर रखे हुए हैं, बहुत अलग अलग देश से विदेश से भी यहाँ पर इसमें पत्थर आए हुए हैं, रखे हैं जो कि मंदिर में लगाने के लिए। फ्रेंड यहाँ पर देखिए, फ्रेंड देखिए कुछ इस तरीके से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ये यहाँ पर एक नक्शा के तौर पर लगाया गया है। फ्रेंड ये LED में जला के दिखाया जा रहा है, ऐसे नक्शा में बनाया जा रहा है राम मंदिर।